नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और आज मैं आया हुआ था जोधपुर, और जोधपुर में परियार एग्रो एंड स्टड फार्म पर। और मेरे को लगता है कि इस फार्म पर दो घोड़े हैं, जगदेव और गुलजार। और मेरे को लगता है कि जगदेव घोड़ा तो घर से बहुत कम निकला है शायद, है ना? और मैंने भी पहली बार ही देखे दोनों घोड़े। तो भाई साहब, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि एक बार अपना नाम बताएं और अपने फार्म का नाम, और अपना जो फार्म है वो किस लोकेशन पर है। नमस्कार प्रदीप जी। नमस्ते। मेरा नाम अभिक परिहार है, और वैसे तो अपना फार्म बहुत पुराना है, लेकिन मैं एक बार फिर भी इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, क्योंकि हम लोग यूट्यूब पे बहुत रेयरली ही आए हैं। बिल्कुल। हमारे फार्म का नाम है परिहार एग्रो एंड स्टड फार्म, जो कि जोधपुर से अराउंड 15-20 किलोमीटर्स है। और हमारे फार्म की शुरुआत आई गेस 1999-2000 में हुई थी। यानी बहुत पुराना है। जी, बहुत पुराना फार्म है। फार्म की शुरुआत मेरे चाचा जी ने की थी, सुधीर जी परियार। सुधीर जी परियार 1999 में पहली घोड़ी लेकर आए थे, और उसके बाद धीरे 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 कुनबा बढ़ता गया, एनिमल्स आते गए। और सबसे अच्छी बात हमारे फार्म की ये है कि ऑलमोस्ट 99% एनिमल्स वो एक ही घोड़ी से निकले हुए हैं। यानी एक ही घोड़ी के बच्चे हैं। हाँ, एक ही घोड़ी से फार्म बना है, ऐसे बोल सकते हैं। दो घोड़ी से ही फार्म बना है। तो मेरे को लगता है आपके पास में अभी कितने एनिमल है? मेरे पास अभी 17 एनिमल्स है। 17 है जी। तो उसमें से कितने ऐसे हैं जो अपने घर के ही हैं? दो को छोड़ के सारे घर के ही हैं। यानी 15 घर के ही हैं जी। मुझे लगता है बहुत बड़ी बात हो जाती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम श्योर बहुत सारे लोग हैं जिनके पास 5-5 जनरेशन है। नहीं, पर एक घोड़ी से पूरा फार्म बनाना, क्योंकि देखो घर पे पैदा करना बहुत मुश्किल है, बाहर से खरीद के लाना मेरे को लगता है थोड़ा सा आसान आपकी है। बिल्कुल बात सही है, लेकिन कैसे बताऊं मैं थोड़ा सा इस चीज़ में थोड़ा सा खुशकिस्मत रहा, क्योंकि जब यहाँ पे घोड़े आने शुरू हुए फार्म पे, चाचा जी ने जब लाना शुरू किया तो वो मेरी एज के थे। बिल्कुल। और मेरी एज से भी कम में थे आई गेस, और मैं 9-10 साल का था। तो जो उन्होंने ब्लड लाइन्स उस वक्त दूरदर्शिता दिखाते हुए, लॉन्ग व्यू को रखते हुए जो लेकर इकट्ठी करी, गांव-गांव घूमे, विलेजेस घूमे, तो वो उन्होंने वो सारा काम कर लिया। आपको तो यानी सेलेक्टेड माल मिल गया। हाँ, तो मेरे को कहीं पे जाकर दूसरा माल कभी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और जब मैं कॉलेज से वापस आया तो फिर बिजनेस में पहले लगे रहे। तो और अच्छा, अपने पास हमेशा से अच्छी ब्लड लाइन्स थी, तो कभी बाहर गए नहीं। बिल्कुल। बाहर गए नहीं तो कभी, अच्छा अब ज़रूरत लगती है, क्योंकि अब टाइम बहुत एडवांस हो गया है, कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत रिफाइन हो गए हैं, ब्लड लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, डीएनएस बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो जितना हम बाहर घूमते हैं उतना अच्छा चीज़ें सीखने को मिलती है। तो अगर हम बात करें तो अभी अपने फार्म पे कितने हैं, यानी कि स्टैलियन की बात करें तो? अपने यहाँ पे दो स्टैलियन से दो स्टैलियन जो हम लोगों को आज इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। एक स्टैलियन अपने यहीं पे पैदा हुआ था, और एक स्टैलियन हम लेकर आए थे। तो अभी जो हमारे सामने खड़ा हुआ है स्टैलियन, इसका नाम क्या है? जगदेव। जगदेव। अच्छा, जगदेव प्रदीप जी आपने आई गेस पहली बार ही देखा होगा। मैंने पहली बार देखा। हाँ, क्योंकि जगदेव यूजुअली हमने कभी बाहर निकाला ही नहीं। यहाँ से वो एक बार अपने फार्म से ही एक बार बाहर गया है, और वो भी जोधपुर डिस्प्ले हुआ था और वापस आ गया था। और इसका बाप कौन है? जगदेव, जगदेव का? सुंदर का बच्चा है। सुंदर का बच्चा, सुंदर देव दरबार से जो है उसका बच्चा है। और आई गेस मेरे को नहीं पता, मैं इतना घूमा नहीं हूँ, बट जहाँ तक मैंने देखा है सुंदर का ये टॉलेस्ट बच्चा है, यानी कि बड़ा। हाँ, सबसे हाइट में ज्यादा सुंदर। कितना होगा अभी हाइट में ये? ये 63.25, 63.3 है। 63.5 मान लें। मैं तो कहता हूँ 63 है, तो 63 भी सुंदर के बच्चे 63 भी नहीं है। हाँ। तो 63 में ही अच्छा है। उम्र में कितना हो गया? और ये 12-13 साल का हो गया प्रदीप जी। 12-13 साल का। और अगर इसकी माँ की बात करें तो? इसकी माँ, ये हमने लिया था भीलवाड़ा से, उससे पहले ये विक्रम सिंह जी के वहाँ पे था, तो विक्रम सिंह जी के वहाँ पे ही इसकी माँ थी। और मेरे को ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता है माँ के बारे में, लेकिन हाँ इतना कॉन्फिडेंट है और कन्फर्म्ड है कि ये विक्रम सिंह जी के वहाँ पे पैदा हुआ था, और 4 दांत वहीं पे किए थे। कुछ कवरिंग्स इसकी वहाँ पे भी हुई थी विक्रम सिंह जी के वहाँ पे, जिसके बच्चे मुझे पहले आइडिया नहीं था, बट अब सोशल मीडिया का ज़माना है, आप जगह जगह घूमते हैं, इस वजह से चीज़ें पता चलती, तो बहुत लोगों ने मुझसे कॉन्टैक्ट कर लिया डीएनए के चक्कर में। डीएनए के चक्कर। हाँ, तो कॉन्टैक्ट हुआ तो पता चला कि इसके ऑलरेडी पहले से बहुत से बच्चे हैं। तो अगर इसकी मार्किंग की बात करें तो मार्किंग क्या है जगदेव? आपने देखा जैसे जगदेव के फुल ब्लेज है, और पीछे के दो पैर और आगे का एक पैर वाइट है, तीन पैर वाइट है। बाकी स्वभाव में कैसा है आपने देखा नहीं, फोटोजेनिक है, उसको पता है कैमरा कहाँ पे है, बहुत मैच्योर घोड़ा है।
बिल्कुल भी यानी समझदार है, यानी कि हाँ वो मैच्योरनेस है उसमें, वो 13-14 ईयर्स वाली, मतलब बच्चे या कोई आसपास रहते हैं तो इतना टेंशन नहीं देता, राइडिंग में बहुत अच्छा है। तो ये जो मार्का लगा हुआ है आम का, हाँ ये ये वहीं पे प्रोड्यूस हुआ, वहीं पे पैदा हुआ था ना, ओके। तो उनके फार्म का है तो अगर हम बात करें जैसे इसके रिजल्ट की, तो जी। कितने क्या रिजल्ट इसके मार्केट में आ गए हैं प्रदीप जगदीप के? भाई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके ऑलरेडी रिजल्ट्स पहले हुए थे, तो जैसे एक रिजल्ट मुझे मेरे भाई दोस्त ने बताया था कि वो देहरादून से है और वहाँ पे उसका एक स्टैलियन खड़ा है, जगदेव का बच्चा है। फिर एक बच्ची की बच्ची अपने पंटी भैया के पास है अजमेर, बिल्कुल। और एक बच्ची अन्ना साहब के पास है पुणे, और उस बच्ची से भी बच्ची है वो अन्ना साहब के पास ही स्टैलियन है, सॉरी बच्चा है, बच्ची नहीं है। ओके। तो और एक दो बच्चे इसके चित्तौड़ में है। यानी कितने रिजल्ट होंगे टोटल अगर बात कर लें? ये तो मैंने आपको बताया जो मेरे से पहले की कवरिंग के थे, बिल्कुल। उसके बाद मेरे यहाँ पे आने के बाद इसके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 रिजल्ट हमने ले लिए थे। सात। हाँ, मेरे पास अभी इसके 2 रिजल्ट खड़े, बाकी सब हमने सेल आउट कर दिए थे। तो अभी हमारे सामने जो ये बच्ची खड़ी हुई है, इसकी क्या उम्र होगी? ये बच्ची अभी जस्ट रिसेंटली हुई है, ये अराउंड 15 डेज की है, 14-15 डेज की, छोटी है ना? बहुत छोटी बच्ची पर है। ये है कि छोटी है, जब भी कान वान इनके टूट टूट बिल्कुल अभी बराबर है बिल्कुल, 15 दिन के भगवान हिसाब की से। दया से घोड़ी ने बच्ची बहुत अच्छी पैदा करी, और आप नोटिस करो तो थोड़ा सा रिवर्स्ड है कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन बाप के कैरेक्टरिस्टिक्स ही इसमें आए हैं। ब्लेज अच्छा बड़ा आया हुआ है, कान बिल्कुल सुंदर आए हुए, कुंडी वाले। क्या नाम है इसकी माँ का जो साथ में खड़ी हुई है? रुक्मणी रुकमणी। जी, ये बिल्कुल। रुक्मणी है, ये आलिशान की बच्ची है। और अपन इस बच्ची की बात करें, इसका नाम तेजस्विनी है, 15 दिन की है, और इसके पैर भी 3 सफ़ेद है। और बाकी आपको और क्या पर्सनली क्या अच्छा लगता है जगदेव में, लाइन के हिसाब से या वैसे भी क्या? सबसे बेस्ट चीज़ लगता है वो है इसका टेम्परामेंट। बिल्कुल। मेरे को नहीं लगता कि यूजुअली जो घोड़े 13-14 ईयर्स के होते हैं और जितना मैस्कुलिन और फिट ये घोड़ा है, ऐसे घोड़े यूजुअली बहुत क्या कहते हैं, चंचलता बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये बहुत शांत मैच्योर, और राइडिंग में पहले आपको ये टेस्ट करता है, फिर आप बिल्कुल। आराम से राइडिंग कर सकते हो, अदरवाइज बच्चे बहुत अच्छे पैदा करता तो है। अगर हम बात करें इसके डीएनए की, जी, तो डीएनए है कि नहीं इसका इसका? डीएनए प्रोसेसिंग में है। प्रोसेसिंग में, हाँ यानी कि सैंपल दोनों, गया हुआ हाँ होगा। दोनों स्टैलियन के डीएनए अपन ने करवा दिए थे, बिल्कुल उसका डीएनए प्रोसेसिंग, इसका अभी रिसेंटली करवाया है। बिल्कुल। तो अगर हम बात करें अभी हमारे सामने जो दूसरा घोड़ा खड़ा हुआ है, इसका क्या नाम है? इसका नाम गुलजार है गुलजार। जी, ये अपने यहाँ पे पैदा हुआ था। अपने यहीं की यानी जी कि ब्रीड बिल्कुल है। बिल्कुल, अपने यहीं की ब्रीड है। और अगर हम बात करें इसके बाप की, तो ये प्रभात का बच्चा है, प्रभात का अभी बच्चा है। प्रभात अभी तो पंजाब चला गया, पहले वो नाडोल में था, जब हम लोगों ने हमारी यहीं से घोड़ी बेच के कवरिंग कराई थी। इसकी माँ चंद्रा है, जो कि एक भैंसड़ा में स्टैलियन हुआ करता था, पुराना लाइन का था, तो आप पहले के टाइम में तो ऐसे ही होता था, भैंसड़ा वाला स्टैलियन, लाडनो वाला स्टैलियन। गांव के हिसाब से है ना? हाँ, हाँ। तो वो भैंसड़ा वाला स्टैलियन नाम था, मतलब ऐसे ही बुलाया जाता था, तो उसकी बच्ची है। और इसकी माँ कृष्णा थी, जो हमारे यहीं पे ही थी और अभी पंजाब है। अभी तो है माँ इसकी? हाँ, इसकी माँ अपने पास ही है, गुलजार की माँ। ओके। गुलजार की माँ की माँ हमने लास्ट ईयर सेल आउट कर दी थी संदीप भाई को पंजाब। यानी अभी भी है? हाँ, शायद मेरे लगता है उसका वीडियो मैंने बनाया भी है शायद। आपने शायद संदीप भाई के वहाँ पे बनाया हाँ, होगा, पिछली लास्ट ईयर, साल ही लेके लास्ट ईयर गए दे थे दी थी। शायद। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, हाँ लास्ट ईयर बनाए दे फिर दी। बनाए। जी। और हाइट में कितना होगा गुलजार? गुलजार 66 टच कर चुका है। 66। हाँ, और और 6 ईयर्स का है। 6 ईयर का जी, है। बाकी मार्किंग में? मार्किंग इसके ब्लेज है और चारों पैर ब्लैक है, इसको हम आई गेस तेलिया कुमेद कह सकते हैं। बाकी मेरे को लगता है कि एटीट्यूड में देखा जाए खड़े होने में तो जी, इसका रुआब थोड़ा सा ज़्यादा है ये बच्चा है सर, ना? चंचलता दिखाता है, हाँ हाँ क्योंकि ये अब अगर आप नोटिस करो तो बहुत ह्यूज है, देवली वाला सारे गुण है इसमें, हाइट में, हेल्थ में, स्ट्रांगनेस में, कान अच्छे आ गए, नेक पतली हो गई, तो अभी तो ये बन रहा है, तो इस पे होपफुली। जो मार्का लगा हुआ है। ये SP, ये मेरे चाचा के नाम के हिसाब से है, सुधीर परियार जी नाम से, तो वो ये मार्का उन्होंने रजिस्टर करा रखा था ऑल इंडिया मारवाड़ हॉर्स सोसाइटी में, तो हमारे ऑलमोस्ट 90% सभी, अब तो मार्के नहीं लगते, पहले तो पर रजिस्ट्रेशन ये होता था, मार्का वाला काम ठीक लगा मेरे हम को, तो है अभी भी रखते हैं। ना? हाँ, मैं तो आज भी ये मुझे मार्का ऐसा कोई मिटा नहीं नहीं मिटा सकता, सकता। और ये अपनी छाप है, फिर हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, सील लग जाती है सील लग अपनी, जाती है। आदमी दूर से ही देख के पहचान ले, बिल्कुल आदमी बिल्कुल पूछेगा बिल्कुल नहीं ये कहाँ ब्रीड हुआ है बिल्कुल बिल्कुल, आप आद... भी 20 साल बाद भी अगर आप कहीं पे देखोगे कि SP मार्क आपको वहाँ दिख गया, तो आप समझ जाओगे ये कहाँ से निकली तो हुई है। आपके कितने अभी 17 है, तो कितनों पे लगा हुआ है? मेरे यहाँ पे ऑलमोस्ट 14 पे लगा हुआ है,
अच्छा सबों पे, अधिकतर सबों 14-13 पे लगा हुआ है। उसका कारण ये है, पहले रजिस्ट्रेशन होते थे तो माँ का ही लगता था, चिप वाला सिस्टम तो अभी आया। तो आप गुलजार पर राइडिंग वगैरह करते हो क्या? गुलजार पर राइडिंग अब शुरू हुई है, शुरू हुई है। हाँ, गुलजार पर 6-7 महीनों है, इसको राइडिंग पे शुरू किया है। अभी ये खुलेगा, देवली लाइन है ये, तो 8-9 साल तक बढ़ते हैं, तो अभी ये और खुलेगा। अभी तो अभी आपने जैसे जगदेव की कोई कवरिंग फीस वगैरह रख रखी, जैसे बाहर कोई अगर बंदा? अरे देखिए भाजी, क्या है ना, सब सब जान पहचान वाले हैं, मैं तो बहुत छोटा हूँ एज में, सब मेरे से बड़े हैं, तो मैं ज़्यादातर तो ऐसे कवरिंग फीस आसपास वाले जो जान पहचान वाले, उनसे तो क्या ही कवरिंग फीस ले, उनसे सीखने को मिल जाता है, वही बहुत बड़ी बात है। और अदरवाइज जगदेव की कवरिंग फीस हमने 31,000 रखी है। 31 जी। और अगर बात करें गुलजार की, गुलजार की कवरिंग अभी लास्ट ईयर ही शुरू हुई थी, लास्ट टू लास्ट ईयर। पहले हमने हमारे यहीं पे घोड़ी पे उसको खोला था, उससे फर्स्ट रिजल्ट भी आ गया, सेकंड रिजल्ट भी आ गया। अभी इस महीने और अगले एक महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर अराउंड 5 रिजल्ट्स और आने हैं। यानी बाहर बाहर भी? हाँ, बाहर ही, बाहर ही। हमारे यहाँ पे 2 रिजल्ट आ चुके हैं। तो अभी हम अगर बात करें जो गुलजार का पहला बच्चा ही है ना जी, तो इस बच्चे की क्या उम्र है? ये बच्चा अभी अराउंड 16 मंथ्स का हुआ है, इसका नाम तिलक है। तिलक, और अगर आप नोटिस करो तो उसका ब्लेज बहुत अच्छा तिलक की तरह आया हुआ है, और पंचकल्याण बच्चा है। बाकी तिलक में क्या खासियत है? तिलक, तिलक मेरे को लगता है थोड़ा देखने में जैसे बाल वालों से थोड़ा सा कुछ ज्यादा जी, वो जी, है ना जी, आप नोटिस करेंगे तो ये बहुत ही रेयरली आपको ये कलर कॉम्बिनेशन मिलता है। ये ना ही कुमेद में आता है, ना ही तेलिया कुमेद में आता है। इसे मुझे भी अभी रिसेंटली किसी बुजुर्ग आदमी ने, बड़े बड़े बुजुर्गों ने बताया था कि इसे सुरंग कहते हैं कलर को, सुरंग जी। और इसके बाल ऐसे ही रहेंगे, इसका कलर थोड़ा सा डार्क, होपफुली बाल तो ऐसे लगते हैं जैसे एक्स्ट्रा में लगा दिया, ब्लॉन्ड हो रहे है ना, ब्लॉन्ड टाइप है, जिससे सुंदरता बढ़ती है इसकी। ये अपने घर की होम ब्रीड है ना? हाँ, ये भी, इसकी भी माँ अपने पास है, इसकी माँ की माँ भी अपने पास है। ओके। और इसके फादर की तो मैंने आपको बताई दी, 4 जनरेशन अपने पास थी। आपके पास में यानी कि 2-3 पीढ़ियां तो है, यानी कि कुछ कुछ होगी तो, है ना? कहीं कहीं मेरे पास 4 जनरेशन है। 4 जनरेशन है। और बाकी अगर हम बात करें जो दूसरी बच्ची हमारे सामने खड़ी, बच्ची है ना ये? बच्चा है, बच्चा है। हाँ, ये भी बच्चा है, ये तिलक का सगा भाई है, माँ भी सेम है, बाप भी सेम है। अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखो तो ऑलमोस्ट वो भी सेम है, ब्लेज अच्छा आया हुआ है, तिलक से भी बेटर ब्लेज आया है, पंचकल्याण बच्चा है ये भी। और क्या उम्र बता रहे हो आप इस बच्चे की? ये अराउंड 18 डेज का है। बिल्कुल, ये दोनों बच्चे, बच्चा और बच्ची आसपास में ही हुए थे, इन पास पास में ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। बाकी मेरे को लगता है कि बच्चे थोड़े से नटखट रहते हैं, स्टेबल में से निकालते ही भागने लग जाते हैं ना? आई गेस ये दूसरी या तीसरी बार ही गार्डन में आए, तो उनके लिए कलर और ये पूरा एनवायरनमेंट नया ही है। और गार्डन में आते तो ये रेस लगा देते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पकड़ आप देखिए कैसे भाई ने पकड़ के रख रखा है इन्हें, नहीं तो लगाने का डर रहता है। बिल्कुल, इसीलिए हम लोग इनको जब तक ये 2-3 महीने के नहीं होते तब तक इनके ठंड से बाहर नहीं निकालते, बाहर नहीं निकालते। आपने इनका जो क्वार्टर देखा हो तो वो भी बिल्कुल सेफ है, बड़ा है, उसमें इंडोर अलग है आउटडोर अलग है, तो वो वहाँ पे आराम से घूम सकते हैं। तो फिर जैसे आप के चाचा जी ने शुरुआत करी जी, फिर आपका कैसे इंटरेस्ट बढ़ा घोड़ों में? चाचा जी ने जब शुरुआत करी थी तो हम छोटे थे, तो आते तो थे ही थे, जाते आते जाते, मतलब जानवरों के साथ ही हम बड़े हुए हैं, सभी एनिमल्स के बीच में ही बड़े हुए हैं। फिर अनफॉर्चुनेटली मेडिकल चीज़ कुछ वजह से चाचा की डेथ हो गई थी 2014-15 में, तो उसके बाद अब क्योंकि ये उनकी लेगेसी है, बहुत प्यार से खड़ी की है, तो अब इसको आगे बढ़ाना भी जाने तो दे नहीं सकते। बिल्कुल, तो मेरे फादर और सब टेक ओवर करते थे, देखते थे, सब कुछ रखते थे। और 2018-19 के अंदर जब थोड़ा सा बिजनेस एक्सपेंशन से मैं फ्री हुआ, तो आई रियलाइज के इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, जो हमारी पुरानी ब्लड लाइन्स है वो जिस तरीके से समय बदला है, जिस तरीके से रिफाइननेस बढ़ी है, जिस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स का एनलाइटमेंट हुआ है, वो हम लोग नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हम लोग इतना बाहर निकलते ही नहीं है। तो मुझे लगा कि ये भी करना चाहिए, क्योंकि लेगेसी जब है और अच्छी ब्लड लाइन्स है तो उनको सिंपली खड़ा क्यों रखें। तो 2 साल हुए मुझे, 1.5-2 साल हुए, मैं अभी भी सीख रहा हूँ, ज़्यादा नहीं पता है मुझे, बट कोशिश कर रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ ब्लड लाइन्स को और रिफाइन कर सके। तो आप जैसे देखो अभी यूथ हैं, तो देखो पुराने आदमियों में और यूथ में फर्क भी है सोच का जी, सबसे मैं तो आप अभी जैसे ये काम कर रहे हो फार्म पे, तो क्या आपके दिमाग में कोई सोच है, कोई ड्रीम है कि भाई मेरे को जैसे कि ब्रीडिंग में करना है, या फिर जैसे कि ब्रीड? मैं यहाँ पे जैसे बहुत क्लियर हूँ प्रदीप भाई, मैं कि भाई ट्रेडिंग करनी है क्या है वो मेरी क्लैरिटी यहाँ पे बहुत फिक्स है। मैं ट्रेडर नहीं हूँ, मैं ट्रेडर नहीं हूँ कि मैं 4 घोड़े कहीं से लेकर आऊँगा फिर उनको थोड़ा प्रॉफिट में निकाल दूंगा।
मैं ऐसा नहीं कह रहा कि गलत चीज़ है, नहीं अपनी ओम ब्रीड दोगे यानी कि, हाँ मतलब मैं इकट्ठे करके भी क्या करूँगा, मैं नहीं चाहता कि मैं 20-20, 50-50 घोड़े इकट्ठे करूँ, क्योंकि सिर्फ यही काम नहीं है मेरे पास, और भी बहुत सारे काम हैं। तो मैं चाहता हूँ कि लेगेसी रिफाइन हो, लेगेसी और एनलाइटमेंट हो, ब्रांड वैल्यू बनी रहे। जो चाचा जी का नाम था, जो उनके पुराने दोस्त थे, वो जिस तरह आई एम श्योर वो आज भी याद करते होंगे, तो उनको हमेशा मौका मिलता रहे और वो यहाँ पे विजिट करते रहे, उनको खुशी मिले कि यहाँ पे आज भी चीज़ें हैं, और सिर्फ वैसे ही नहीं है, वो और रिफाइन हुई है और बेटर हुई है। तो मैं और मेरे फादर इसी चीज़ में लगे रहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे रोज़ आते हैं। पहले हम बाहर नहीं जाते थे, ये हमारी थोड़ा सा बैकड्रॉप रह गया, पर आपका बिजनेस है उस वजह से भी नहीं जा पाते होंगे ना, जा नहीं पाते थे। बट देन पिछले 1-1.5 सालों में मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमने थोड़ा सा गलत किया था लो प्रोफाइल रह के, तो अभी हम बाहर भी जाते हैं, चीज़ें सीखना जरूरी, मेले वगैरह में जाते हैं। हाँ अब मैं जाना शुरू किया मैंने, अब मैं कुछ खरीदता नहीं हूँ, बट कुछ अच्छा लग जाता है तो ले लेता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि चेंज इज द मेन रीजन, और चेंज से ही और समय के साथ में अपडेट रहना भी पड़ता है। अपडेट रहना पड़ता है, तो जब कुछ घोड़ियाँ निकलती है तो कोशिश करता हूँ कि एक अच्छी घोड़ी और निकाले, ताकि अपने घोड़ों को भी प्रमोट कर सके। नहीं पर आपका क्या, घोड़ों का सबसे मेन मेरे को स्वभाव बहुत अच्छा लगा, बाकी घोड़े क्या है देखो इंटरव्यू में यानी कि वैसे भी वो इतना खड़े नहीं होते। देखिए प्रदीप भाई, मैंने आप जब यहाँ पर बनना बना घोड़े तो तेल निकाल देते हैं आदमी का। जब आप यहाँ पे एंटर अपन हो रहे थे फार्म पे, तब भी मैंने आपको, आपको याद हो तो गाड़ी में जिक्र किया था कि यहाँ सुकून है। बिल्कुल, ये जो फिर आपके यहाँ वातावरण भी क्या है, बहुत शांत है, ये शांत वातावरण है, यहाँ पास पास व्हीकल ज्यादा नहीं है, मेन हाई कोई नॉर्मल रोड से भी ये एरिया एटलीस्ट 3 किलोमीटर दूर है। यहाँ बस पक्षियों की आवाज़ है जो कि लोग भी सुन पा रहे होंगे। बहुत क्लैरिटी है, बहुत पीस है, अच्छा खाना मिलता है, अच्छी मालिश मिलती है, अच्छा प्यार मिलता है। हम लोग घोड़े की तरफ आवाज़ भी ज़्यादा ज़ोर से उछालने की कोशिश नहीं करते, और डॉक्टर्स की विजिट बराबर रहती है, तो आप नोटिस करोगे तो सभी घोड़े हैप्पी हैप्पी खुश है। कोई जगह अपन जाते हैं और जब अपन किसी ठाण की तरफ बढ़ते हैं तो घोड़ा दूर भागता है, बिल्कुल, या काटने को आता है। आप यहाँ आएंगे तो नोटिस, तो घोड़ा पास में आता है, जैसे मैं भी स्टेबल में गया था, पास ही आ रहे थे ना, पास आते हैं, वो हाथ फिरवाना चाहते हैं, और एक बॉन्ड है सबके साथ में। तो दोस्तों आपने इस वीडियो के अंदर देखे दो घोड़े और उनके रिजल्ट, बाकी हम आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे कुछ घोड़ियाँ और कुछ इस फार्म के बच्चियाँ भी। थैंक यू भाई। थैंक यू।